हेलो नमस्कार दोस्तों, आज डीएचएम न्यूज़ डीएचएम चैनल की टीम आज मिलने के लिए आई है। हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन जिसने हरियाणवी संस्कृति में बड़ा नाम कमाया है, भाई संदीप संडवा जी से, तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार संदीप जी। राम राम जी, आप सभी देखने वालों को भी राम राम। मेरे पूरे गांव संडवा व आसपास के जितने भी गांव हैं तुषाम क्षेत्र के, भिवानी जिले के और आल हरियाणा के, सभी को आपके लाडले संदीप संडवा की ओर से हाथ जोड़कर राम राम। आने वाली नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से कामना करूंगा कि आप हर समय खुश रहें, आबाद रहें। मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मैं सदा सदा का आपके लिए आभारी रहूँगा जी। तो संदीप जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने हरियाणा में इतना अच्छा मुकाम जो हासिल किया है, जो शुद्धताई आपने रखी है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे गांव में जहाँ भी मैं बैठता हूँ सभ्य इंसान हैं, माशे चरण सिंह जी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे गुरुजी सूरदास जी हैं मेरे गांव से, साधुराम जी, अच्छा, उन्होंने मेरे को नाम दिया है अपना, मैं उनके नाम से। और इस लाइन में जो कॉमेडी लाइन है, जो सीरियल में बना रहा हूँ, इस लाइन में मेरे गुरुजी हैं हरिकेश जी पंगाल, जी उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। और बाकी जो रागनी लाइन है, मतलब शुरुआत से ही मेरी ये सोच रही है कि मतलब एक शब्द के दो अर्थ ना निकले। जी और भी काफ़ी कलाकार हैं हरियाणवी संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, रागनियों के जरिए, नाटकों के जरिए, एपिसोडों के जरिए, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। संदीप जी, एक जो हमारी हरियाणवी संस्कृति जो थी, जी जो धरोहर हमारी हरियाणा की थी, आज वो गिरती जा रही है, नीचे नीचे की तरफ जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी संजय जी, बात ऐसे है, मतलब हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, इसमें रागनियाँ डाली जा रही हैं, अच्छे अच्छे भजन डाले जा रहे हैं, मतलब परिवार को अच्छी सोच मिलती जा रही है, मतलब पूरा परिवार एक साथ सुन रहा है। बाकी इस समाज को बनाने वाले और इस समाज को बिगाड़ने वाले हम खुद हैं। काफ़ी लोग हैं मंदिरों में बाबा के नाम से जागरण करवाते हैं, नंगा नाच करवाते हैं, मैं उनके खिलाफ़ हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारा जो हरियाणा पहले था उस शहर हमारी यह सोच है, मैं उसी आदमी से लगाव रखता हूँ जो कि मतलब एक परिवार, एक गांव, एक जिला, एक मतलब पूरे हरियाणा को बना कर रखे। हाँ, ये तो हमने भी सुना है, क्योंकि हरियाणवी लक्ष्मीचंद के, मांगेराम जीयों के, मेहर सिंह के, जो अच्छे अच्छे किस्से हैं, अच्छी अच्छी रागनियां हैं, बहुत से कलाकारों से हमने भी सुना है, जैसे हमारे विकास पासोरिया जी हैं, रमेश कलावड़ से हैं, नरेंद्र डांगी हैं, तो वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ इस नाम से जो नंगा नाच नचा रहे हैं, सबकी आत्मा आहत होती है, हमारी भी होती है। अच्छे काम के लिए आप और क्या प्रोत्साहित करना चाहते हो हरियाणा को? मैं जी जब तक मतलब मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं हरियाणा को अच्छी सोच ही देता रहूँगा। माँ से जनक राज जी बापुड़ा का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जो आपने नाम लिए वो तो हैं ही मेरे लिए आदरणीय। और भी काफ़ी कलाकार हैं, माँ से पाले राम जी हैं, रमेश जी कलावड़ हैं, नरेंद्र तवे दादरी हैं, विकास जी पासोर हैं, सुमित जी सातरोड हैं, काफ़ी हरियाणा के जो जो भी कलाकार हैं, मेरे को आल हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं सभी मेरे को नाम से और मतलब फेस से सभी जानते हैं, अच्छी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। और यही कहूँगा कि जितनी इज्जत करोगे उतनी इज्जत मुफ्त मिलेगी, आदमी जहाँ भी जाओ जीत भी रहो। क्योंकि हमने बहुत सी, अब आई बात हरियाणवी कॉमेडी की, जी बहुत सी ऐसी कॉमेडी देखी हैं जिससे डबल मीनिंग के शब्द ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जिसको हम परिवार में बैठ के नहीं देख सकते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जो कॉमेडी कलाकार है ना, उनकी ये सोच होती है कि मतलब मेरे व्यूज ज़्यादा आएंगे, डबल मीनिंग यूज करूंगा तो मैं, जी और मेरे ज़्यादा कमाई आएगी। वो पैसे के पीछे भागे हुए हैं, वो समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे, वो अपनी आप की छवि बनाना चाहते हैं, मतलब अपशब्द बोल के दो शब्द यूज करते हैं और दो ही अर्थ निकाल रहे हैं, वो समाज को नीचा दिखा रहे हैं। फिर बाकी हमारी ये सोच नहीं है, मैं उनके खिलाफ हूँ, समाज को जोड़ने का काम करें मेरी ये सोच है। और आपका आभारी रहूँगा, आपका बार बार स्वागत, आप जो यहाँ पे आए, और मेरे अजीज मित्र भाई प्रदीप जी सांगवान, जो डीएचएम म्यूजिक
कंपनी के मालिक हैं, डीएचएम म्यूजिक, डीएचएम कॉमेडी, उन्होंने नया चैनल किया है। और मतलब जब तक सांस है, जब तक आपका सहयोग है, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे देख रहे हैं, सभी को बार बार तहे दिल से धन्यवाद। आपका सहयोग, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, भाई के चैनल की सपोर्ट करें। डीएचएम कॉमेडी जो चैनल है, नया चैनल बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें। आगे से हमारी जो भी वीडियो आएगी वो डीएचएम कॉमेडी के जरिए दिखाई जाएगी। सभी का बार बार धन्यवाद। फिर से आपको नया साल मुबारक हो, मकर संक्रांति, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले 26 जनवरी की। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, बोलिए भारत माता की जय। जय हो। ये आज हमारे साथ थे लाइव संदीप संडवा जी, जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है। अगली बार ऐसे ही अच्छे अच्छे कलाकारों के इंटरव्यू आपके पास लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और बुराई से बचें, यही हमारे संदीप जी का कहना है, यही हमारे चैनल का कहना है कि बुराई से बचें, अच्छाई में अपना योगदान दें। जो लोग स्क्रीन पर काम करते हैं वो समाज के आइडल हैं, उन आइडलों से मेरा अनुरोध है कि डबल मीनिंग यूज ना करें, सभ्य समाज का निर्माण करें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.